हाय गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज के ये अमेजिंग सा वीडियो हेयर मास्क के बारे में। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक कप, उसमें आप ले लें एक टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का। मैं यहाँ पे पैराशूट कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद हम लेंगे हनी। हनी हमें लेना है 2 स्पून। सो 2 स्पून हनी हम यहाँ पे ले लेंगे। हनी की वजह से हमारा हेयर जो है बहुत ही नॉरिश होता है और कोकोनट ऑयल की वजह से हम इसे बहुत ही सॉफ्टनेस दे सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल डालोगे, उसके बाद हनी डालोगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल और उसके बाद आप हनी डालें। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एग डाल रही हूँ, एक अंडा। तो इसे ब्रेक करके अच्छे से मिला लें, बहुत ही अच्छे से फेंट लें। और उसके बाद इस मास्क को आप करीबन 20-30 मिनट्स के लिए अपने हेयर पर लगाए रखें। और लगाने के बाद एक पॉलिथीन कवर या तो किसी टॉवल से आप इसे अच्छे से रैप कर दें। टॉवल से अगर आप रैप करोगे तो बहुत ही गंदा स्मेल आएगा टॉवल से, तो कोई पुराना टॉवल या तो ऐसा कुछ लेकर आप रैप कर सकते हो। इससे बेटर है कि आप पॉलिथीन कवर ही यूज़ करो क्योंकि उसे आप थ्रो कर सकते हो। सो उसको मिलाने के बाद जब आप लगा लोगे और कवर लगा लोगे तो उसके बाद क्या करना है, जब आप हेयर वॉश करोगे तो सबसे पहले पानी से धो लेना है। धोने के बाद थोड़े से मग में वाटर लेके उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल के उसे अच्छी तरह मिला के आप हेयर को वॉश करोगे तो आपका हेयर बहुत ही सिल्की स्मूथी और लॉन्ग दिखेगा। जो भी कर्ल्स हैं वो सारी चली जाएंगी और आपका हेयर बहुत ही परफेक्ट लॉन्ग थिक बन जाएगा। इससे इस मास्क की वजह से थिकनेस बहुत आती है और ये सही में सच है, क्योंकि ये मास्क मैं अभी ट्राई कर रही हूँ बहुत दिनों से। सो आप भी ये मास्क ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मेरे को बताएं कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।